गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। ओके लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था लेफ्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेटिव। आप लोगों ने ये स्लाइड्स चेक की थी? किसी को किसी डाउट हो इनमें से? क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नो डाउट। ओके एनीवन एल्स? क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इशू आया था। यस एनीवन एल्स? किसी को कोई डाउट हो अगर रिपीट करना है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि पार्सिंग जो है वो इसी से रिलेटेड है। अगर वो आपको नहीं आता तो आप पार्सिंग भी समझ नहीं पाओगे। ओके देन आई थिंक वी शुड जस्ट स्टार्ट विद पार्सिंग। एवरीवन इज क्लियर विद लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेटिव्स? ऑल राइट। ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस मॉड्यूल 4 इज पार्सिंग। पार्सिंग में वॉट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू इज दैट वी नो दैट पार्सिंग इज सेइंग दैट व्हेन यू वांट टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू हैव टू गो थ्रू द ब्रांच वाइज डेरिवेशन एंड देन यू हैव टू फाइंड वन सोल्यूशन फॉर इट। दैट इज वॉट एक्चुअली पार्सिंग इज। सो फॉर डूइंग पार्सिंग we want to generate a parse tree, and since we know that for every tree we have a number of maybe there can be number of subtrees for any single root, or maybe there can be a number of branches associated with it. It could be a binary tree with only two branches, or with a number of n number of branches can be there. But as we just go downwards to those branches, whenever we going to end it with something, that is known as to be our leaf node. And with those leaf node, we are actually going to get the string that we want to generate through our parse tree. Okay, ये आपको चीज क्लियर हो जाएगी कि पास ट्री है हमारे पास। ट्री में एक रूट होना जरूरी है। रूट के बाद हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट नोड्स आएंगी, और उन नोड्स के बाद कुछ ऐसे नोड्स होंगे जहां पर हमारे पास एट द एंड कोई और डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। उस पर्टिकुलर नोड को हम लोग बोलते हैं लीफ नोड्स। ओके अदर आर ब्रांचेस एंड इंटरमीडिएट नोड्स, और जहां पर आगे कोई डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है वो लीफ नोड्स होंगे। और वही लीफ नोड्स हमारे, क्योंकि अगर आप लोग इस चीज को सिंपली कंपेयर करें, अगर हम इसे सिंपली कंपेयर करते हैं हमारे ग्रामर के साथ, तो हमें पता है कि ग्रामर के अंदर हमारे पास कुछ टर्मिनल्स होंगे और कुछ नॉन टर्मिनल्स होंगे। एंड सम नॉन टर्मिनल्स आर देयर। एंड हमें पता है कि जब भी हमारे पास ग्रामर राइट करने के लिए जब भी नॉन टर्मिनल्स आएंगे, दीज कैन बी डेराइवेबल। हमारे पास एक सपोज एक टर्मिनल है कैपिटल एस, तो हमेशा इसका एक डेरिवेशन पॉसिबल होगा, दैट मे बी ए बी और ए ए, एनी डेरिवेशन कैन बी देयर बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम। हमारे पास कुछ ना कुछ डेरिवेशन होंगी, बट वेन एवर वी टॉक अबाउट टर्मिनल्स, टर्मिनल्स आर the end points and terminals are represented by lower case alphabets, और इनके बाद हमारे पास कोई और derivation नहीं होती। अब इसी चीज को अगर मैं compare करूँ एक tree के साथ, तो जितने भी मेरे पास root node और intermediate nodes आएंगे like these, ये मेरे पास root node है A, और X1, XI and XK, these are intermediate nodes। यहाँ पर मेरे पास हमेशा non-terminal symbols आएंगे, because इनके आगे जो है डेरिवेशन पॉसिबल है। और जब भी मेरे पास एंड हो जाएगा इस ट्री का, वेन एवर आई एम गोइंग टू गेट एनी लीफ नोड, दैट विल बी माय टर्मिनल्स ऑलवेज। और इन्हीं को हमें एक साथ कंबाइन करके हमारे पास जो है हमारा लास्ट स्ट्रिंग जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई पार्स ट्रीज, व्हाई वी आर रीडिंग दिस थिंग। तो हम लोगों ने इससे पहले, ओके लेट्स जस्ट स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। हम लोगों ने इससे पहले एक एग्जाम्पल्स किए थे लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेटिव्स के। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी हम लोग डेरिवेशंस बनाते हैं तो इट इज पॉसिबल कि आपके पास सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल के लिए, और अगर पर्टिकुलरली मैं एग्जाम्पल का अगर हम लोग लिखें
तो हम लोगों ने कुछ ऐसी ई स्टार ई और ई प्लस ई और एप्साइलन, हमारे पास ऐसी तरह के कुछ ग्रामर्स थे. और द क्वेश्चन इज कि आपको जो स्ट्रिंग यहां से इस ग्रामर से जनरेट करनी है, दैट इज सपोज ए इंटू बी प्लस ए. तो हम लोगों ने देखा कि इधर वी कैन गो फॉर द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और वी कैन गो फॉर द राइट मोस्ट डेरिवेशन, दैट इज वन पार्ट. लेकिन लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन करने के अलावा, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. हम लोगों ने ऐसा किया था कि हमारे पास राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली राइट मोस्ट डेरिवेशन की बात कर रही हूँ, देन इवन आई हैव अ पॉसिबिलिटी दैट फ्रॉम दिस ई आई हैव ऑप्शंस दैट ईदर यू कैन गो फॉर ई स्टार ई और यू कैन गो फॉर ई प्लस ई. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विद वॉट एवर टाइप ऑफ कन्वर्जन और डेरिवेशन आई वुड स्टार्ट, आई विल गेट दिस स्ट्रिंग ऑफ माइंड, आई विल ऑलवेज गेट दिस स्ट्रिंग. सो दैट मीन्स आई हैव टू राइट मोस्ट डेरिवेशन फॉर सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल और फॉर सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रिंग दैट आई वॉन्ट टू जेनरेट. सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तरीके से एम्बिग्यूटी क्रिएट होता है कि हमारे पास एक ही तरह के एग्जाम्पल के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस हैं. सो टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्सिंग कि ये सारे डेरिवेशंस हमारे पास किस तरीके से आ रहे हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक रीजन कि जब हमारे पास दो एक ही टाइप के कन्वर्जन के लिए एक ही टाइप का ये स्ट्रिंग है, इंट स्टार इंट प्लस इंट, लेकिन इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं. आप चाहे तो ई ई प्लस ई से स्टार्ट कीजिए, फिर भी आपके पास रिजल्टेंट ये आ सकता है. और अगर आप ई स्टार ई से स्टार्ट करते हो एंड देन यू कीप ऑन डूइंग द डेरिवेशन, यू कैन गेट दिस सिमिलर आंसर. सो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बिग्युइटी, वी आर स्टडिंग पार्सिंग. यस एवरीवन, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है राइट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, या फिर एक ही स्ट्रिंग के लिए दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशंस कैसे अकर हो सकते हैं, आप लोगों को ये चीज क्लियर है? यस, राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन ओनली. हाँ जी, ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू. तो अब हम लोग क्या करेंगे, टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, इसीलिए हम लोगों ने उस चीज को, पहले हम लोग क्या था, ई के लिए ई प्लस ई सिंपली लिख रहे थे, लेकिन अब हम उसे एक ट्री की फॉर्म में इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे और फिर वहां से जो है स्ट्रिंग्स जेनरेट करेंगे. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस एग्जाम्पल के साथ ही स्टार्ट करते हैं. द एग्जाम्पल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि वी आर हैविंग अ डेरिवेशन एग्जाम्पल जहाँ पे हमारे पास सिमिलर जो हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल ली थी वही है, एंड द स्ट्रिंग दैट यू वॉन्ट टू जनरेट इज दिस स्ट्रिंग. सो वी नो द डेरिवेशन फॉर दिस, दैट द डेरिवेशन से इज ई प्लस ई, देन यू कैन, सिंस दिस इज ऑफ टाइप, अच्छा वी हैव नॉट डिफाइंड द टाइप है, लेकिन क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि विच टाइप ऑफ डेरिवेशन इज दिस? पहले ई प्लस ई था, देन दिस ई प्लस ई हैज बिन कन्वर्टेड टू ई स्टार ई प्लस ई. सो विच टाइप ऑफ डेरिवेशन इज दिस? इज दिस राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट? हम राइट मोस्ट डेरिवेशन एक बार और देखो ध्यान से. मैम, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हाँ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. हाँ जी, दिस इज द लेफ्ट मोस्ट वन. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, आप इस सिंबल को देख लीजिए, द सिंबल इज कॉन्स्टेंट देन ई इज कॉन्स्टेंट. चेंज कहाँ पे हुआ है? इस सिंबल के लेफ्ट साइड में. और हर बार देन इस स्टार की भी बात करें तो स्टार के लेफ्ट साइड में चेंज हुआ, तो दिस इज द लेफ्ट मोस्ट टाइप. ओके,
ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास आता है कि जैसे जैसे आप डेरिवेशन करते जाओगे वैसे वैसे हमें ट्रीज जनरेट करने हैं. सो फर्स्टली ओनली ई इज देयर, तो हम लोगों ने ट्री का रूट जो है वो बिल्डअप कर लिया. नेक्स्ट द थिंग इज ई हैज बीन डराइव टू ई प्लस ई. सो दैट मीन्स फॉर ईच सिंबल दैट वी आर राइटिंग वी हैव टू क्रिएट ई अ सिंगल ब्रांच फॉर द रूट ई. सो ई देन प्लस एंड देन ई इज अगेन देयर. Next derivation step says that you have to convert this e, this plus and e are constant, keep them as it is, so they are kept as it is, and only this e has been derived to e star and e, and then I have written it as I have certainly converted its branch, three branches, and I have written it as e star and then e again. The next derivation step says now keep the rest constant and convert this e into int. Then I have converted this e, I have created a branch and then taken it as int. Now as I know that this int is my terminal, it cannot be further derived as per the grammar rules. So that means this is my leaf node here. इससे आगे मेरा कोई और derivation नहीं होगा. This is the leaf node. Next thing says that keep this int star constant and then convert this e into int. Then I have created a branch and written over here int. And then for this e, int is written. Now the thing is how you are going to combine these so that you can read it as a string. So there can be one possibility ki ek hai aap likh rahe ho int star int plus int. Okay, ki aap log left to right ja sakte ho. By reading all the leaf nodes only. Next thing is कि आप लोग right to left आ सकते हो, but the correct method is that always start from the left side and keep on reading all the leaf nodes till you reach the end. जब तक आप end पर ना जाओ. So starting from the left most side. Left most कौन सा है? E का left this E, then left to the this E is this one, and then it has only one branch which is int. I will start from here, int, then star, then completing its right side int. Now this whole right subtree is completed, then I will move to plus and then its left side which is int. So the end string is int star int plus int with us. So every time when you generate any parse tree and you want to calculate the string that has been generated, read it from left to right side by reading all the leaf nodes that are present. Yes, everyone. So is this clear? So depending on the type of derivation which is given, since this one is leftmost, इसका ही अगर right most derivation यहाँ पर लिखा होता तो उसी के according आप लोग trees भी generate करते and it is going to give us the same type of string. ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं to the definition of parse trees. कि actually हम लोगों ने देख लिया derivation के through parse tree generate कैसे होता है. Now what parse trees actually mean? So we say that for each CFG it can be represented using a parse tree. कि आपके पास कोई भी CFG grammar आ जाए उसे represent कर सकते हैं हम लोग parse tree के साथ. And to generate that parse tree, what norms you have to follow? That each internal node or intermediate node is labeled by variable v. V means your non-terminals, your set of non-terminals. अगर आप इसकी grammar के four tuples पे जाओगे, then we know that we have represented set of non-terminals with capital V. So that means कि आपके जितने भी intermediate nodes होंगे, which are derivable, और derivable हमेशा कौन होता है? Non-terminals. So non-terminals are labeled with variable V, and your leaf nodes are your terminal symbols. And for a production, जब भी आपको एक production करनी है, that means जब भी आपको एक एक particular node का sub node जो है, it could be the left one, the middle one, or the right one, आपको जो भी node create करना है, that will be created based on the production rule. For a production which is saying A, A corresponds to X1 or X2 or XK. So हमारे पास अगर ऐसे तरह का production आ रहा है, then we will say that A A reaches to X1 and then X2 maybe somewhere XI till
एक्स के, इट कुड बी एनी नंबर ऑफ ब्रांचेस और एनी नंबर ऑफ नोड्स दैट यू कैन ड्राइव फ्रॉम द रूट. यहाँ से हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है दैट इट विल बी ऑलवेज बी अ बाइनरी ट्री, हमेशा दो ही ब्रांचेस होंगी, चार ही होंगी, इट कैन देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ब्रांचेस. ओके, इसीलिए हम लिया है कि एक्स वन से लेकर एक्स रेज़ टू द पावर एक्स के तक हमारे पास कोई भी सिंबल्स आ सकते हैं. एंड देन इट कुड बी पॉसिबल कि दैट नोड दैट यू हैव क्रिएटेड इट कुड ऑल्सो फॉलो अ सर्टेन ट्री, उसके आगे भी कुछ ब्रांचेस हों, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में कर चुके हैं कि हमने ई से स्टार्ट किया, ई हैज फर्दर थ्री चाइल्ड नोड्स ई प्लस एंड ई, एंड फर्दर दिस ई इज अगेन अ ट्री इन इटसेल्फ, सो आई कैन से दैट दिस इज अ सब ट्री ऑफ दिस लेफ्ट सब ट्री ऑफ दिस रूट नोड ई. ओके, सो एज एन एग्जाम्पल ये वही चीज है जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक इस तरीके का ट्री अगर आपको गिवन है, वेन एवर यू वॉन्ट टू रीड इट वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड और हर एक टर्मिनल सिंबल को रीड करना है. सो ए, देन वी विल चेक फॉर एवरी टर्मिनल, देर आर नो टर्मिनल्स, अनदर टर्मिनल दैट आई गेट इज प्लस, and then moving on the another terminal that I get is 1. So the resultant string is a plus 1, and this could be the possibly the grammar which corresponds to this example. Okay, similarly to in cheezon ko hum logon ne naam diya hai abhi, that whenever I create any tree, any past tree from any type of derivation, it could be the leftmost or the rightmost one, if I study it from, if I derive it from top to bottom, then it is known as derivation. And if I start from the bottom and reach to the top starting symbol, this is known as recursive inference. हमें पता है कि हर तरीके से जो parsing है हो सकती है, bottom to top and top to bottom as well. So जिस तरीके से भी आप read करते हो, it has been given a specific name for it. So अगर हमारे पास इस तरीके का tree आता है, then the resultant is 0, 1, epsilon, 1 and 0. And for any 1 into epsilon, we know that according to the algebraic laws, it is 1 only. So the resultant is 0, 1, 1 and 0 for this particular grammar. There can be another parse trees generated from this grammar also. This is just an example. Okay, so this as already said, ki aapke paas top to bottom derivation rules aate hain and bottom to top aapke paas recursive inferences aati hain, from which you can from a particular string you can reach to the starting symbol. So for any parse trees, it corresponds to any leftmost derivation or it could corresponds to any rightmost derivation, okay, which is which are further subcategories of derivation only, and from that derivation we can generate recursive inferences also, and that recursive inference can give me further parse trees. So all of these are actually correlated, ki aapke paas agar parse trees hai to aap unse derivations create kar sakte ho, derivations hai to recursive inference ho jayega, aapko usi derivation ko reverse karna hai, only that. Okay, so this is how we define the interchangeability, that for every parse tree there exist the leftmost derivation, and for every parse tree there exist a rightmost derivation also, and for every leftmost derivation it is actually equivalent to the rightmost derivation, and from that derivation you can actually create the recursive inferences, which is just to reverse the order of productions. A recursive inference, from that recursive inference then you can generate the parse trees also, that can be generated by bottom up traversal of parse tree. Okay then.
So these are the main points which we have to note down for derivation, that for any parse tree, it can have terminal at leaves only. It can have non-terminals at the interior, internal or intermediate nodes. A left-right traversal of leaves is the original input. कि अगर आपको original input या string read करना है, तो आपको हमेशा tree को कैसे traverse करना है from left to the right side. The same thing कि हम लोगों ने यहाँ से read किया है कि आपको left most side से read करते हुए सारे के सारे टर्मिनल्स को या सारे के सारे लीफ नोट्स को रीड करना है, देन यू कैन गेट द एक्चुअल ओरिजिनल इनपुट. द पार्स ट्री शोज द एसोसिएशन ऑफ ऑपरेशंस, द इनपुट स्ट्रिंग डज नॉट. तो हमारे पास क्या है, व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ योर ऑपरेटर्स, इट इज बीइंग शोन बाय द पार्स ट्री ओनली, नॉट बाय द स्ट्रिंग इटसेल्फ. बिकॉज द ऑपरेशन, द ऑपरेटर्स दैट आर यूज, दैट कैन नॉट बी डिराइवेबल. Further, only the non-terminals can be derived. So, if we just talk about this, that for one type of derivation, leftmost and rightmost, I have two possibilities, but the resultant strings that I am getting are exactly the same one. जो मेरे पास resultant strings हैं, वो मेरे पास same हैं, but there are two ways to generate these strings. So, what we say that if I just start from the right derivation, so this is another example, कि अगर आपको यहाँ से trees create करने हैं, पहले हमने कौन सा किया था, left most one. अगर अब आपके पास right most derivation आता है, then for that e has been converted to e plus e, then e plus remains constant, only this e has been derived to int. So I will create a branch of e, creating a terminal or leaf node over there, and then it says plus and int are constant, you have to derive this e to e star e. E star e means three branches will be created, three internal nodes will be added, e star and e to it. Further, this is what we are saying, that for any parse tree, the string will not tell you that whether the operations, the operators that are being used, whether they can be derived or not, but the parse tree will tell you that you have to count them as your, I would say, leaf nodes whenever we talk about traversing the string. And again, in the last, this e has been derived to int, and the similar type of string has been obtained. Okay, everyone, any doubt in this? Otherwise हमारे पास एक और example है, वी कैन डिस्कस दैट. किसी को कोई डाउट है इस चीज में बता दीजिए. दिस इज क्वाइट सिंपल. एंड यूजली इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एक पार्सिंग का क्वेश्चन जो है वो तो आता ही है हर साल में, ठीक है. एंड वेरी इजी दिस इज, तो इसे कवर कर लीजिएगा आप लोग. ओके, आर यू डन विद योर प्रेप क्लासेस? क्योंकि अगर हमें नेक्स्ट असाइनमेंट देना है, असाइनमेंट नंबर टू, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. हम लोग नया असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट टू, वो क्या आपको असाइन कर दे अगर आपकी प्रेप क्लासेस जो है वो खत्म हो गई हैं? मैम वैसे तो हमारी प्रेप क्लास का लास्ट डेट 17 अक्टूबर था, बट अभी हमें कोई ऐसे ऑफिशियल मैसेज आया नहीं है कि हमारी प्रेप क्लास एंड हो चुकी है. अच्छा, ठीक है. तो ये अभी 12 बजे पता चलेगा कि हमारी प्रेप क्लासेस खत्म हो गई है कि अभी कंटिन्यूड रहनी है. ओके ओके ओके, ठीक है. तो अगर आपको अभी असाइनमेंट असाइन कर दिया जाए, विल यू एबल टू डू दैट? नो मैम, 12 to 4 होती हैं प्रेप क्लासेस. हाँ, इसलिए मैंने पूछा है, इसलिए आई वाज आस्किंग.
चलो वी कैन वेट फॉर वन वीक. मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, अगर आज प्रेप क्लासेस खत्म हो गई तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी दैट देयर आर नो मोर प्रेप क्लासेस. फिर आपने जो असाइनमेंट डालनी होगी डाल देना. ठीक है ऑल राइट ओके. तो अब हमारे पास एक और एग्जांपल है जहाँ पे मेरे पास कुछ मल्टीपल नंबर ऑफ डेरिवेशंस जो है वो गिवन है. सो दिस इज द ग्रामर दैट एस कैन बी कन्वर्टेड टू ए बी. देन फर्दर दिस ए कैन बी कन्वर्टेड टू दिस एंड दिस लेमडा इज एक्चुअली योर एप्साइलन सिंबल. योर एम्प्टी स्ट्रिंग इज देयर. तो दीज आर द वेरियस डेरिवेशन रूल्स और योर ग्रामर रूल्स. एंड वेन एवर आई वॉन्ट टू जनरेट अ स्ट्रिंग आई हैव जस्ट टेकन अ स्ट्रिंग एज एन एग्जाम्पल. ए ए बी इज द स्ट्रिंग दैट आई वॉन्ट टू जनरेट. ओके सो द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन सेज दैट फर्स्टली इट कैन बी कन्वर्टेड एज ए टू ए बी. ऑब्वियसली फ्रॉम स्टार्टिंग सिंबल देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी. एंड देन फ्रॉम दिस ए ओके सिंस दिस इज द लेफ्ट मोस्ट वन सो आई हैव टू मेक अ चॉइस हेयर दैट फ्रॉम ए एंड बी आई हैव टू non-terminals, leftmost derivation says always solve the left one first. So I will go with A and then for this A I have a choice that either you can write A A A or you can just end the string here. So I since I want in my end string double A, so that is why I will go with A A and a non-terminal A and then B. So then again with this subtree I have to check that since all of these A and A are terminals, then I will go to this capital A and convert it into lambda or epsilon, and then A A B has been obtained because A into epsilon is eventually A only. Then for this B, for this particular B I have to write B B, and then for this B I have converted into epsilon, and epsilon into B is again terminal B, and from here this string AAB has been obtained. Similarly, if I am going to generate a rightmost derivation for this, it says start from this starting symbol, always derive right one first. That is why BB is written, and then for this B epsilon, that means only AB is there. Then I move to the left side. For the left side, similarly, double A and non-terminal A. And then that non-terminal A has been eliminated using epsilon, and the resultant is double A B. Okay, so these are the leftmost or rightmost derivation for string. Similarly, A 4 times B and A 4 times B for rightmost derivation. So whenever we are going to generate the trees now, okay, so as per the rules, the first derivation step says convert it into AB. So at the left side there is A, at the right side there is B only. Then it says AA and non-terminal A. Three branches has been created by A, and then A, and then non-terminal A, and then with B and B, and in this way this terminal has been created. Now if I start from the left side, A, A, lambda or epsilon, and then again epsilon and B, then A dot epsilon is A, and further this A dot epsilon is again A. So the resultant is double A B. So the resultant yield is with us, which is double A B. Similarly, first I will be having a partially derived tree for the another type of derivation, and then this yield has been obtained. Okay, so that is it with the parse tree, that how we can actually create
parse tree from the different type of derivations. Now the question that will lead us towards the next lecture is, okay, we know that I have this type of yes, as it is already written that suppose int star int plus int is written there, okay? तो हमारे पास left most या right most derivation करने के बाद या फिर parse trees evolve करने के बाद हमारे पास at the end इस तरह की strings आ सकते हैं. Now the question is कि अगर this int, suppose this int is taken to be as 4, okay? तो हमारे पास इसे इसके resultant output को लेने के लिए किस तरीके के solutions हैं? One could be 4 star 4 प्लस 4 इज देयर. तो अब मेरे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी आती है कि इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए. इधर इट कैन बी सॉल्व इन दिस वे. फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व 4 star 4 एंड देन प्लस 4, और फर्स्टली सॉल्व 4 plus 4 एंड देन मल्टीप्लाई इट विद द थर्ड वैल्यू दैट वी आर हैविंग विच इज 4. ओके, सो दोनों टाइप के पास, अगर दोनों तरह की इवैल्यूएशन हमारे पास होंगी तो हमारे पास आंसर सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे. दीज आर द टू टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस. सो दोनों के बाद हमारे पास आंसर सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे? डिफरेंट होंगे. तो एक्चुअली पार्स ट्री ने हमें क्या बताया कि सपोज हम लोग हमेशा यहाँ पर बात करें रिकर्सिव इन्फ्रेंस. वी नो दिस, राइट? रिकर्सिव इन्फ्रेंस अब पिक्चर में आता है कि सपोज रिकर्सिव इन्फ्रेंस ऑलवेज सेव कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो आपको हमेशा बॉटम से टॉप पर जाना है. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सपोज एक तरह का ट्री लिया और वहां से हमेशा अपनी डेरिवेशंस करने स्टार्ट कर दिए. ठीक है, चलो वो एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स आ रहे हो. दिस इज दैट एग्जांपल. तो अगर मैं इस टाइप के डेरिवेशन की बात कर रही हूँ, दिस इज द टाइप ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन. अगर इस डेरिवेशन की बात कर रही हूँ और मुझे बॉटम से स्टार्ट करना है, फर्स्टली आई विल डू 4 multiplied by 4, देन आई विल मूव टू द दिस पार्ट, और जो भी यहाँ पर मेरे पास रिजल्टेंट आएगा, देन आई विल टेक यहाँ पर 16 plus 4, और वहाँ उसके बाद मेरे पास एक एक्चुअल आंसर, एक सिंगल टर्म आएगी, एक इंटीजर वैल्यू आएगी जो कि रिजल्ट होगा. वही चीज इफ आई जस्ट मूव टू द लेफ्ट मोस्ट पार्ट. Just wait. Okay, if I move to the another type of derivation, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वहाँ पर हमारे पास आएगा कि क्योंकि आपने डेरिवेशन अलग टाइप का किया है, तो आप पहले 4 plus 4 को चेंज कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं. तो जब भी हम लोग इन्फ्रेंस की तरफ जाते हैं, जब भी हम लोग बॉटम टू टॉप इवेल्युएशन करते हैं उसी पार्स ट्री का या उसी टाइप की डेरिवेशन का, तब हमारे पास रिजल्टेंट आंसर्स अलग हैं. तो दैट सेज वहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एम्बिग्विटी का. ओके, सो एम्बिग्विटी सेज दैट यू आर क्रिएटिंग सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स, बट व्हेनेवर आई एम गोइंग टू इवेल्युएट दीज स्ट्रिंग्स, सो देयर कैन बी टू पॉसिबल सिचुएशन. सो एट दैट टाइम द कंप्यूटर माइट फेस दिस इशू दैट विद विच पॉसिबल वे आई हैव टू एक्चुअली सॉल्व दिस इक्वेजन. अगर हम इसे एक इक्वेजन मानकर चले तो इन वट पॉसिबल वे आई हैव टू सॉल्व इट. सो दिस टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी कुड बी फेस्ड बाई योर मशीन विच यू आर डिजाइनिंग. तो उस एम्बिग्यूटी को सॉल्व कैसे करेंगे, दैट विल बी इन आर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो इसी तरीके से सारा जो है एक चेन की तरह चल रहा है हमारे पास ये सारा यूनिट, कि हम लोगों ने सी एफ जी से स्टार्ट किया कि सी एफ जी विच इज एक्चुअली अ सेट
whose subset is regular languages plus sum of some another languages which need at least one memory unit with them to solve any equations. यहाँ से हम लोगों ने start किया था. And since there is every time there is a grammar associated with any type of language, that is why we have a context-free grammar with us. And when we try to solve the context-free grammar, then we have read there that there could be two type of derivations possible. Similarly, corresponding to those two type of derivation, there can be two type of trees generated, which are actually the parse trees. And why we are reading those parse trees? Because we want to solve this problem of ambiguity that we have faced in the derivation part. Okay? So am I clear that why we are reading all of these things? So these are somewhere associated with them. And in the next lecture, we will discuss the concept of ambiguity. Jahan par phir se wahi derivation, parse tree, all of these things will combine and they will lead us to some another problem that eventually hum ek system design karna hai. Lekin us system ko itna clear hona chahiye ki wo har ek tarah ki problem jo hai solve kar sake. Lekin ab tak jis language tak hum pahunche hain, wahan par hamare paas kuch एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर हो सकता है कंफ्यूज हो जाए दैट विच वे आई हैव टू फॉलो विच इज एक्चुअली लीडिंग अस टुवर्ड एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी मतलब कि एक ही प्रॉब्लम के दो अलग सेंस होना कि इसे इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है और इस तरीके से भी. सो देयर हैज टू बी अ क्लैरिटी दैट हाउ कि यू कैन एक्चुअली सॉल्व दैट एक्सप्रेशन और सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो दैट इज वाई we are reading this parse tree and then we will actually go to the ambiguity ki ambiguity ek grammar mein kaise detect hoti hai and then how we can actually resolve the concept of ambiguity. That will come in the next lecture, that is tomorrow. Okay, haan ji, yahan tak clear hai sabhi ko? Any doubt? ओके, अगर किसी का कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव फर्दर अटेंडेंस. Okay, then I suppose there are no doubts associated with this topic. Okay, so everyone just wait for the lecture, wait for the attendance. Okay.